बड़ी खबर और है, राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता आरके सिंह ने कहा है कि समझ की कमी है राहुल गांधी में। राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी रखने का प्रयास नहीं करते हैं। ये साहब देखिए, ये एकदम बिल्कुल ही टोटली अनपार्लियामेंट्री तो है ही है। हमको लगता है कि इमेच्योर भी है, अभी तक ये कोई गंभीरता उनमें आई नहीं। तो यूनियन पावर मिनिस्टर आरके सिंह जो होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, बहुत सुलझी हुई बातें करने के लिए जाने जाते हैं मनीष, वो अगर ये कह रहे हैं कि बहुत इमेच्योर बात है ये, तो कैसे देखें? और राहुल गांधी ने जो सुबह सुबह नई जो ये बहस छेड़ दी है, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने चाइना को जमीन दे दी, अरे यहां तो चाइना पीछे हट रहा है, फिर देने की बात कहां से आ गई? देखिए गौरव, सबसे पहले तो राहुल गांधी के आरोप पर सरकार और उनकी उनके पार्टी के नेता या मंत्री जवाब दें, क्योंकि ये उनका काम है। लेकिन जो सच्चाई है, राजनाथ सिंह के बयान का एक हिस्सा, चूंकि वो हिंदी में ही था, पता नहीं क्यों उसे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी ने शायद सुना नहीं या उनको ध्यान से उस पर समझा नहीं। राजनाथ सिंह अपने बयान में कहते हैं कि सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि अभी भी LAC पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं, इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। तो ये जवाब है कि देपसांग के मामले में क्या होगा, गोगरा के मामले में क्या होगा, हॉट स्प्रिंग के मामले में क्या होगा। तो देपसांग का मामला हो, गोगरा का मामला हो, हॉट स्प्रिंग का मामला हो, ये आगे की बातचीत में ये तय होगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन क्षेत्रों पर अपनी दावेदारी छोड़ दी है। तो ये राहुल गांधी के उन जो सवाल हैं उसका ये तथ्यात्मक जवाब है जो सदन में राजनाथ सिंह ने दिया था। अब राजनीति से परे होकर सोचिए, क्योंकि जमीन केवल सत्ता या विपक्ष की नहीं, जमीन 130 करोड़ भारतवासियों की है और हम सब की चिंता है। तो लेकिन मुझे एक चीज और बताइए मनीष, क्योंकि आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कवर करते हैं, WMCC की जो मीटिंग्स हुई हैं 2-3, वो कितनी अहम रही इस लेवल तक पहुंचने पर, जब 9 लेवल की मीटिंग होने के बाद हम आज डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को देख रहे हैं, क्या एक भारत की डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी कामयाबी इसमें? जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमारे साथ इस समय जनरल साहब भी हैं, त्रिगुनायत सर भी हैं, और गौरव मैं और आप जब बच्चे थे तब क्यूबा क्राइसिस हुआ था। क्यूबा क्राइसिस के बाद शायद ये कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब दो परमाणु संपन्न देश कुछ मीटर की दूरी पर, जहां तोप और टैंक लेकर खड़े थे, वहां संवाद के जरिए शांति स्थापित करने की सफलतापूर्वक कोशिश की गई है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।